दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए हैं आपके कि सर एम एस एक्सेस के ऊपर वीडियो बनाइए, एम एस एक्सेस ट्यूटोरियल शुरू कीजिए। तो आज हम एम एस एक्सेस का ट्यूटोरियल शुरू कर रहे हैं और ये मैक्सिमम 2 या 3 वीडियोज में हम इसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि इससे पहले जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल सीखा है तो हमने इसमें डिटेल में सारी चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर क्या काम होता है, ये कहाँ से आया, कैसे इसको इंस्टॉल करें, ये सब भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर हम काम क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले एम एस एक्सेस को हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक कंपोनेंट है। इसके अंदर हम काम करते हैं, यहाँ पे हमारे डाटाबेस बनते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, एक्सेल के अंदर आपकी स्प्रेडशीट बनती है, ऐसे ही एक्सेस में आपके डाटाबेस तैयार होते हैं। अब ये डाटाबेस क्या है? डाटाबेस से मतलब होता है कि आपका जो भी काम है, आप स्कूल में काम करते हैं, कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपका अपना कोई बिजनेस है, और उससे संबंधित जितना भी आपका डाटा है, जितना एंटर करते हैं, भाई कितना आया, कितना गया, कितने स्टूडेंट हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड, उनकी रिजल्ट शीट्स, ये सब तैयार करके एक जो डाटाबेस पूरा तैयार होता है वही हमारा डाटाबेस कहलाता है। और इस डाटाबेस को हम एक्सेल में तैयार करें या हम एक्सेस में बनाएं या फिर कोई उसके लिए एप्लीकेशन परचेज करें, कोई सॉफ्टवेयर खरीदें या ऑनलाइन हम इसको स्टोर करें, तो एक्सेस हमारी मदद करता है एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर बनाने में, कि हम इससे एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर तैयार कर सकते हैं जिससे कि हमारा डाटा वहाँ पे सही तरीके से मेंटेन हो सके, कि हमने कहाँ पे क्या खंगालना है इस तरह से नहीं, हमने जो चीज़ देखना है वो फटाक से हमारे सामने खुल के आ जाए। किस किस तरीके से खुल के आ जाए, हम सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं, इसके अंदर हम कैसे डाटाबेस स्टोर करें, ये सारी बातें धीरे धीरे आपके सामने अभी आती रहेंगी। तो उसके लिए पहले हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और एक्सेस को एक्सेस करके देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेस को एक्सेस करना होगा, उसके लिए हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, ऑल प्रोग्राम्स। यहाँ पे देखो मेरे पास ऑफिस 2007 भी है, 13 भी है, फिलहाल मैंने 10, 16, 19 रिमूव कर रखा है, वो मेरे लैपटॉप में है। तो मैं 2013 में बताऊंगा, वो सेम टू सेम आप 2007 में भी यूज़ कर सकते हैं, 13 में भी, 19 में भी, मैं इस तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम चलाएंगे एक्सेस, तो आप चलाओगे तो आपके सामने 2013 में लगभग इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। 2007 में थोड़ा सा अलग होता है, वहाँ पे ये आइकन्स लेफ्ट में थोड़े से छोटे आइकन आ जाते हैं, लेकिन होंगी यही चीज़ें लगभग। तो हमने अपना एक डाटाबेस क्रिएट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा ये ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस, ठीक है, इस पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है फाइल नेम, किस नाम से आपने इस फाइल को सेव करना है, आप डाटाबेस वन रखना चाहें या फिर कोई और। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको CGG, मैंने यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर ज्ञान गुरु जी, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर। अगर कोई और फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्पेशल फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मैंने आपको जब भी इसमें काम बताना पड़े तो मैं उसी फोल्डर से इस फाइल को ओपन कर लूँ। उसके लिए एक फोल्डर बनाना पड़ेगा, हम वापस जाएंगे माई डॉक्यूमेंट्स में, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ प्रैक्टिस एक्सेस फाइल, ठीक है, और एंटर। तो इस फोल्डर में अपनी सारी फाइलें रखेंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, वापस हम एक्सेस को ओपन करेंगे और यहाँ से फोल्डर चूज कर लेंगे हमने किस फोल्डर में रखना है। तो यहाँ पे मैंने बनाया था डॉक्यूमेंट्स में प्रैक्टिस एक्सेस फाइल, ये मिल गया, और यहाँ पे फाइल नेम हमने डाल ही दिया और ओपन, ठीक है। और इस फाइल को हम कर देंगे यहाँ पे ओके, ये हो गया हमारा पाथ आ गया, और इसको कर देंगे क्रिएट। तो हमारी फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे, और जैसे ही क्रिएट होगी तो आपके पास एक एक्सेल की तरह का देखो यहाँ पे लुक आ रहा है, वही हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स रो सेल नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक्सेस के अंदर हम इन कॉलम्स को बोलते हैं फील्ड और लाइनों को बोलेंगे हम रिकॉर्ड। आप डायरेक्टली यहाँ से भी रिकॉर्ड चेंज कर सकते हैं, देखो लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड, कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है, एक रिकॉर्ड तो ऐड है ही आईडी का, दूसरा हमने नेम का, लास्ट नेम, एड्रेस, जो भी रिकॉर्ड ऐड करने हो ऐड करते चले जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन होगा। उसके लिए हम इसको डिज़ाइन मोड पे लेके जाते हैं। अब देखोगे सबसे पहले आपको यहाँ व्यूज़ में मिलेगा
दो व्यू नज़र आ रहे हैं, डिज़ाइन व्यू और डाटा सेट व्यू। फिलहाल हमारा ये डाटा सेट व्यू है, इसको डिज़ाइन व्यू पे लेके जाएंगे। हम इस टेबल का नाम डाल देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। तो डिज़ाइन व्यू लगभग इस तरीके का ये खुल गया। यहाँ पे हमने फील्ड बनानी है कि स्टूडेंट टेबल जब हम क्रिएट करें तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी फील्ड हो, यानी कि जो कॉलम जिसको बोलते हैं वो कौन कौन से कॉलम हो। भाई पहला तो हमारा आईडी नंबर का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आगे ऑटो नंबर दिखा रहा है, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे हम कुछ भी नंबर डाल देते हैं, नाम भी लिख दिया, यानी कि हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिक भी यूज़ कर सकते हैं, करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, डेट टाइम सारा मिक्स कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एंट्री करने के लिए स्पेसिफिक डाटा टाइप देना पड़ेगा। तो आईडी है, आईडी हमने 1, 2, 3 या फिर कोई और अदर आईडी डाल दी है, तो वो नंबर्स होते हैं और वो ऑटो जनरेट नंबर हो जाएं। देखो ये डिफ़ॉल्ट ले रहा है ऑटो जनरेट, क्योंकि अपने आप जनरेट होगा, किस प्रकार जनरेट होगा वो अभी आप देखेंगे। फिलहाल हम दूसरी फील्ड तैयार करते हैं। दूसरी फील्ड हमने ले ली है नेम के लिए, ठीक है, इसमें आएंगे नेम के लिए, इसको ओके कर देते हैं। ये कह रहा है सॉर्ट टेक्स्ट, यानी कि आपने नेम में टेक्स्ट लेना है, नंबर भाई जाहिर सा है नेम के अंदर तो हम टेक्स्ट लेंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमने सॉर्ट टेक्स्ट रखना है, लॉन्ग टेक्स्ट रखना है, तो सॉर्ट टेक्स्ट ही रख लेते हैं, नेम सॉर्ट ही होता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे नेम ले लिया, नेम के बाद अगर हमने एड्रेस भी डालना होता है या फिर ऑब्लिक करके हम लिख सकते हैं सिटी, सिटी या एड्रेस जो भी है वो भी हमारा टेक्स्ट में आएगा, शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। फिर फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट हमने डालने हैं, कॉन्टैक्ट हमारे नंबर्स में होते हैं तो यहाँ पे हम चुन लेंगे नंबर। ईमेल आईडी वगैरह, ईमेल आईडी के लिए हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं क्योंकि ईमेल आईडी टेक्स्ट में भी होती है ना, लेकिन हम सीधा उसके लिए हाइपर लिंक का भी यूज़ कर सकते हैं कि मेल आईडी जब हम डालेंगे और उस पर क्लिक करके सीधा उस पास मेल करी जा सकती है, तो यहाँ पे हम हाइपर लिंक ले कर देख लेते हैं। फिर एक हो जाता है फ़ोटो के लिए, फ़ोटो हमको चाहिए तो फ़ोटो हमने लगानी होती है, तो उसके लिए हम अटैच करेंगे फ़ोटो, तो अटैचमेंट का सैम्पल ले लेंगे। आ गया, इतनी फील्ड हमने तैयार कर ली और इसको कर देंगे सेव। ये हमारी सेव होगी किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। ये देखो यहाँ पे टेबल स्टूडेंट के नाम से होगी। अब हम एक बार इसके व्यूज़ में जाएंगे और इसको डाटा सीट व्यूज़ करके देखते हैं। तो हमने जो फील्ड डाली थी वो देखो यहाँ पे दिखा रही है, आईडी नंबर, नेम, एड्रेस या सिटी, कॉन्टैक्ट, ईमेल, अटैचमेंट आ गया हमारा फ़ोटो के लिए, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहे फील्ड तो और ऐड हो सकती है। अब हम यहाँ पे कोई भी एक नाम लिख के देखेंगे, मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया सतीश। जैसे हमने नाम लिखा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे आईडी ऑटो जनरेट होगी, जैसा कि वहाँ पे आपने देखा था ऑटो जनरेट नंबर लिखा हुआ था ना, ऑटो नंबर, तो ये अपने आप ये एक आ गया या न्यू दिखा दिया। तो पहले एक रिकॉर्ड हम डाल देते हैं, हमने डाला सतीश, एड्रेस हमने डाल दिया दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिए, हो गया, और ईमेल आईडी हम इसी के नाम से डाल देते हैं satish.gmail.com, हो गया, ये कर दिया हमने। ऐट द रेट करना है यहाँ पे, ये लो टैब यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो आप ये एक लिंक बन गया। यहाँ लिंक के ऊपर जाके हम सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा डायरेक्ट मेल कर सकते हैं यहीं से उसके पास। आपके पास जैसे क्लिक करोगे तो आउटलुक का डायरेक्ट खुल जाएगा, नेक्स्ट करेंगे तो आउटलुक के ज़रिए आप मेल कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल मैं कैंसिल कर देता हूँ। अटैच के लिए यहाँ से हमने फ़ोटो अटैच करनी है तो अटैच पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऐड करनी है कोई भी, हम फाइल ऐड करेंगे, फाइल कहाँ पे रखी हुई है हमारी फ़ोटो, वो हम फ़ोटो चुन लेंगे। फ़ोटो कहाँ पे रखी है मैंने, देखते हैं यहाँ पे कहीं नहीं है, फिर भी कहीं से तो एक फ़ोटो उठाएंगे ही, डाउनलोड्स में से देख लेते हैं कोई भी एक फ़ोटो, हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और ओके। तो ये फ़ोटो यहाँ पे एक नंबर दिखा रहा है, यानी यहाँ पे फ़ोटो अटैच हो चुकी है। अब हम फिर से टैब यूज़ करेंगे तो देखो यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड, फिर टैब यूज़ करेंगे और हमने यहाँ पे डाल दिया जैसे नरेश हमने लिखा, देखो ये आईडी नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा, यहाँ पे सिर्फ नाम आएगा। अब यहाँ पे सिटी, अगर हमने दिल्ली डालना है सभी का कि लिखना ना पड़े बार बार, तो उसके लिए हम फिर से इसके डिज़ाइन पर आएंगे, डिज़ाइन व्यू में,
और हम जाएंगे सिटी के ऊपर, तो आप यहाँ देखोगे इधर दिखा रहा है एक वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट, तो यहीं पे एक दिखा रहा है यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। हम डिफॉल्ट वैल्यू में जाएंगे और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू में लिख देंगे दिल्ली, हो गया दिल्ली, और इसको सेव कर देंगे। वापस यहाँ पे आएंगे अपने डाटा सीट व्यूज़ के अंदर, तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये दिल्ली, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिल्ली ले लिया, जबकि हमने नया रिकॉर्ड नहीं डाला है। हम जब भी नया रिकॉर्ड डालेंगे, यहाँ पे हमने दिल्ली लिख दिया, कोई भी नंबर हमने यूज़ किए, मेल आईडी हमने यूज़ करी, ठीक है, और न्यू रिकॉर्ड हम डाल देते हैं, तो नए पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक दिल्ली उठा रहा है। हम चाहेंगे यहाँ पे हम चूज़ करें कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो किस प्रकार बनाएंगे, देखिए फिर से हम डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सिटी के ऊपर, जो यहाँ से हमने शॉर्ट टेक्स्ट लिया था, इस बार हम ले लेंगे लुकअप विजार्ड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे लुकअप विजार्ड के ऊपर। इसको करना होगा आपने आई विल टाइप इन द वैल्यू दैट आई वॉन्ट, ये क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी सिटी के नाम चुन सकते हैं, जो जो सिटी आपके पास है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया दिल्ली, नेक्स्ट में मैंने डाल दिया मुंबई, एक में मैंने डाल दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया, और एक में डाल देता हूँ, ठीक है, ये सिटी मैंने डाल दी, और इसको कर देंगे नेक्स्ट या यहाँ पे फिनिश। तो अब यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं और वापस डाटा सीट व्यू के अंदर हम जाके देखेंगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट चालू हो जाएगी आपके पास, आप यहाँ से कोई भी सिटी मैनुअली चुन सकते हैं, ठीक है। हमारा डाटा डालना यहाँ पे और भी आसान हो गया, फोटो अटैच हो गई, लेकिन इस तरह से अगर हमने एंट्री करनी है तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, है ना। हमने इसको और भी बेटर तरीका बनाना है यहाँ पे डाटा एंटर करने के लिए, तो फिलहाल तो हमने आपको बताया टेबल्स क्रिएट करना, तो हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर ली, एक नई डाटाबेस फाइल हमने बनाई। अब हम यहाँ पे करेंगे एक फॉर्म डिज़ाइन, पहले तो फॉर्म को क्रिएट कैसे करेंगे और फिर फॉर्म को डिज़ाइन किस प्रकार करेंगे, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो साथियों ये ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा, हमें कमेंट्स में बताइए जो कुछ समझ में नहीं आया, या फिर आगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हमें कमेंट्स में बताइए, और इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमें लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।